काम करना चाहती हूँ और मैं आप सबको विश्वास ही दिलाना चाहती हूँ कि जो 2003 और 8 के बीच में रिश्ता आपने जोड़ा था, उस रिश्ते को निभाने में हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ तक आज हम लोग सब पहुंचे। वैसे भी मेरे पूर्ववक्ता हम थे महाराज जी थे, आप महाराज चंपाराज जी जब बोले थे तब उन्होंने ये कहा, ना ही एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहे राजा हो या रंग सबसे बात कर सकता है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस कुर्सी में जो बैठ जाता है वो आधा घंटा 45 मिनट के लिए तो लौट हो जाता है और जब तक उसके बाल नहीं कटते, उसकी हुईया नहीं बदलती, जब तक वो चमकता नहीं है तब तक वो वहीं बैठा रहता है और जब तक वो वहां बैठा रहता है तब तक हमारा जो भाई है सेन समाज का, वो उसके कान में जो बोलता है बोल सकता है। उठ के जा भी नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ का बाल कटा है तो दूसरी तरफ का भी कटा है, एक तरफ की मूंछ में ट्रिमिंग होगी तो दूसरी तरफ नहीं हुई है और दाढ़ी कटी की नहीं कटी, आधा काम छोड़ के जा भी नहीं सकता, उसको पूरा सुनना पड़ता है। और जो भी आदमी कुछ भी सुनता है तो हो सकता है वो पूरी चीज को याद नहीं रखे, परंतु 10-20% जो बताया जो उसके कान में गया है वो 10-20% तो उसकी याद में आती ही है। उसके पास में पकड़ के बैठ जाती है तो उसके बाद तो उठ ही नहीं सकते, वो जो बोलती है वो सुनना पड़ता है। कि ये एक ऐसा समाज है जो सरल किस्म का समाज है और जब जब दिल देता है तो पूरी तरह से देता है। मेरे को जगह जगह पे नाई समाज और सैन समाज के लोग मिले और जगह जगह पे उन्होंने प्यार भरी बातों से मुझे आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं हम लोग जब राजनीति में होते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि राजनीति आपको लगता है बड़ा आसान है परंतु आसान नहीं है। 36 के 36 कौम को साथ लेके चलना सबसे मुश्किल काम है, अलग करना बहुत आसान काम है, क्योंकि लोग एक मिनट के में, महाराज आप जानते हो, एक मिनट में एक दूसरे से लड़ने को कलयुग के दिनों के अंदर बैठे हुए हैं। ये शास्त्र में भी लिखा है कि ये होगा, एक दूसरे से लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। बहुत कम लोग हैं जो दीवार खींच के नहीं उसको पाट के सब लोगों को साथ लेने की कोशिश करने में पूरी तरह से प्रयास करते हैं और उसमें आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको 45 मिनट कम से कम तक के लिए काम मिलता है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि सब लोगों को जोड़ने का काम अगर आपने भी अपने हाथ में ले लिया और खुद भी समाज एक हो गया तो मानो कितनी बड़ी ताकत होगी और क्या आपके सामने कोई काम रुक सकेगा। क्योंकि फिर अपना काम कराना भी कोई आसान काम नहीं है, कोई सर पे आके पत्थर फोड़ता है तो काम नहीं होता है, शब्दों का पत्थर आके फोड़ो और बोलो कि ये तो मेरा काम नहीं होगा तो देख लेंगे, तो देख लेंगे तो देख लेंगे, फिर तो काम होता नहीं है। परंतु कोई आता है बोलता है मुझे मालूम है कि आप करेंगे और प्यार से चतुराई के साथ अपना काम करा के ले जाता है, मैं समझती हूँ कि वो एक आर्ट है और वो आर्ट हमारे सब में है। मैंने देखा है जब कान में आप डल रहे हैं धीरे 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 उसके समझा रहे हैं, वो ऐसे समझा रहे हैं कि वो जब उठ के जाता है तो वो सोचता है कि तो मेरा ही विचार है, उसमें क्या समझाया, मेरा विचार है। अब इसमें